ठीक है प्यारे बच्चों, हम शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम लोग को पढ़ना है भैया, इवापोरेशन तक हमारा हुआ था, इवापोरेशन के आगे चलना है। आज हमारा जो टॉपिक हुआ था जहां तक, वो इवापोरेशन तक हुआ था, इवापोरेशन तक। इवापोरेशन टॉपिक है क्लास नाइन्थ का, इस समय आप लेक्चर देख रहे हो क्लास नाइन्थ। और क्लास नाइन्थ के सभी बच्चों से मैं कहूंगा कि सभी लोग जो है, सबके साथ स्क्रीन शेयर्ड है, लोग जुड़े हैं, जल्दी जल्दी जुड़े, सब लोग ज्वाइन हों और हम आगे बढ़ें। तो लेक्चर कंटिन्यू है और इवापोरेशन का टॉपिक है हमारा, इवापोरेशन का टॉपिक चल रहा है इस समय, इवापोरेशन का टॉपिक कंटिन्यू है। तो व्हाट इज द इवापोरेशन, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर, ठीक है, द प्रोसेस, एक भैया ये प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड, ये एक प्रोसेस भी है, द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर, किसमें चेंज होता है बेटा, वेपर में चेंज होता है, ठीक, द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर, चेंजिंग इनटू वेपर, ठीक है बेटा, द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर और गैस, ठीक है, इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं भैया, इज कॉल्ड एज इवापोरेशन, क्या बोलते हो बाबू, इवापोरेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन, ठीक है, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं भैया, इवापोरेशन बोलते हैं, ठीक, तो इसको इवापोरेशन बोलते हैं। इवापोरेशन इवन रूम टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन हायर टेम्परेचर पे ज्यादा तेज होता है, ठीक है, इवापोरेशन जो है वो रूम टेम्परेचर पे हो सकता है, पर हायर टेम्परेचर पे इवापोरेशन ज्यादा होता है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अंजलि बेटा जुड़ रहिए, देखते रहिए, लेक्चर कंटिन्यू है, ठीक है, हाँ, तो एकदम दिख रहा है, एक बार चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि एकदम क्लियर दिख रहा है और वॉयस सुनाई पड़ रही है, एक बार इस बात कंफर्म कर दीजिए, ठीक, वॉयस क्लियर है, ठीक, बताओ वॉयस क्लियर है कि नहीं, ठीक, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर, ठीक है, और गैस इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवापोरेशन, इसको क्या बोलते हैं भैया, इवापोरेशन, ठीक है, लिख के बताओ जल्दी से, क्योंकि अभी मैं काम नहीं लगा, देख रहा शगुन आ गई है, बहुत अच्छे बेटे, और सभी लोग ज्वाइन हो जल्दी से, एक मिनट में देखता हूं, अच्छा अच्छा ऐसा दिख रहा है, ऐसा तो अभी दिख रहा होगा ना, ऐसा भी दिख रहा होगा, ठीक है, अभी देखो फिर से स्क्रीनशॉट भेजो, बताओ वॉयस कैसी है, लिख के भेजो, वॉयस सही है, आवाज सही है, तुम्हारी आवाज जो सुनाई नहीं पड़ रही, वॉयस ठीक है,
ठीक है, तुम्हारी तो आवाज एकदम क्लियर नहीं थी तो। हाँ ठीक है ठीक है, दिख रहा है अच्छे से, अच्छा दिख रहा है। चलो ठीक है, द प्रोसेस ऑफ, अब सुनाई पड़ा ना, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर और गैस इवन बिलो इट बॉइलिंग पॉइंट कॉल्ड एज इवापोरेशन, इसको बोलते हैं बेटा इवापोरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? इवापोरेशन। इवापोरेशन ऑफ लिक्विड टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर होता है भैया। इवापोरेशन ऑफ लिक्विड टेक प्लेस एट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी होता बेटा, इसके अलावा कब होता है? नॉर्मल टेम्परेचर के अलावा और कब हो सकता है? नॉर्मल टेम्परेचर के अलावा बेटे ये जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा होता है, कहने मतलब ये था। तो द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवापोरेशन, मतलब किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड के जो ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल होते हैं वो सरफेस से वेपर के फॉर्म में जाते रहते हैं, किसी भी टेम्परेचर पर होता है सर। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं इवापोरेशन। अब ये कहोगे कि एक फिक्स टेम्परेचर होता है तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है, समझ में आया? ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या डिफरेंस है भैया इवापोरेशन एंड बॉइलिंग में। इवापोरेशन एंड बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है? चलो ठीक है, देखते बेटा, सभी बच्चे लोग, मेरे प्यारे बच्चे लोग बने रहे और देखें। ये भैया इवापोरेशन हमेशा स्लो प्रोसेस होती है बेटा। कैसा प्रोसेस भैया? स्लो प्रोसेस है इवापोरेशन, हमेशा स्लो प्रोसेस होती है बेटा। इवापोरेशन जो है ये स्लो प्रोसेस है, धीमे दर से होती है। और ये बॉइलिंग कैसा है बेटा? ये रैपिड प्रोसेस है, ये एक रैपिड प्रोसेस है बेटा, बहुत तेज होती है। दूसरी बात ये है बेटे कि ये सरफेस होती है, एट सरफेस ये सरफेस होती है भैया। और ये कहाँ पे होती है? अच्छा ये कलर भी चल जाएगा इसमें। थ्रू आउट द मास ऑफ द सब्सटेंस, पूरे मास में होता बेटा। थर्ड क्या है बेटा? ये कब होता है? आकर एट ऑल टेम्परेचर, आकर एट ऑल टेम्परेचर, ऐसे सब नोट्स बनाना है बेटे। सभी बच्चों से मैं कहूंगा सब नोट्स बनाना चलना मेरे साथ। आकर एट ऑल टेम्परेचर बट बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बट बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ये कब होता बेटा? ये टेक प्लेस एट ए, टेक प्लेस एट ए डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक बेटा। और क्या डिफरेंस है? चौथी बात क्या है बेटा इसमें? इसमें टेम्परेचर भैया गिरता है क्योंकि तो ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बेटा निकल जाते हैं, इसमें टेम्परेचर फॉल होता है। और इसमें क्या होता बेटा? टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ये भैया डिफरेंस है दोनों में, इवापोरेशन और बॉइलिंग में। इवापोरेशन में क्या होता है? जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो किसी भी टेम्परेचर पे बेटे, वो किसी भी टेम्परेचर पे अपना सरफेस छोड़ के जाते रहते हैं, ठीक है। जरूर नहीं कि फिक्स टेम्परेचर पे जाए, जैसे आप कपड़े डालते हो सूखने के लिए, तो कपड़े बेटा ठंडी में भी गर्मी में भी, ज्यादा हीट है तब भी, ज्यादा सन ऊपर है तब भी, किसी समय आप सुखाते हो, बरसात में भी सुखाते हो, तो वो इवापोरेशन से होता है।
किसी ने झंडू बाम लगाया, कोई भी बाम लगाया, उसको ठंडा लग रहा है, तो क्यों? इवापोरेशन की वजह से, क्योंकि ज्यादा एनर्जी वाला सरफेस, क्योंकि उसमें वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, वोलाटाइल सब्सटेंस, मैंने एक वर्ड यूज किया वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब होता है लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट इसका मतलब होता है, ठीक, वोलाटाइल का मतलब होता है लो बॉइलिंग पॉइंट। तो ज्यादा एनर्जी वाले जो मोलिक्यूल होते हैं वो सरफेस छोड़ के जाते रहते हैं लगातार, ठीक है, ज्यादा एनर्जी वाले जो मोलिक्यूल होते हैं वो सरफेस छोड़ के जाते रहते हैं, ठीक। ज्यादा एनर्जी वाले मोलिक्यूल सरफेस छोड़ के जाते रहते हैं, चलिए देखते हैं। अच्छा समझ में आया इवापोरेशन की नहीं, प्रॉपर इवापोरेशन आपने पढ़ा है, क्या क्या डेफिनेशन पढ़ी बेटे? द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से पहले भी, तो उसको इवापोरेशन बोलते हैं। और इवापोरेशन ऑफ लिक्विड टेक प्लेस, मतलब इवापोरेशन लिक्विड का हमेशा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, बट जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो इवापोरेशन भी बढ़ जाता है। तो चलो लगे हाथ देख लेते हैं क्या क्या चीज का असर पड़ेगा इवापोरेशन पे, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, ये लेक्चर बेटा यूट्यूब पर भी जाएगा, हमेशा मैं यूट्यूब पर डाल देता हूं ताकि आप लोग के लिए हमेशा के लिए रखे, और उसका लिंक भी दे देता हूं, जब भी जरूरत पड़ा करें आप वहां देख लिया करें। तो बेटा कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला है बेटा टेम्परेचर, सबसे पहला फैक्टर है जो भी है वो टेम्परेचर। तो अन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, देखो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो बेटा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो सरफेस के मोलकूल है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जो हीट एनर्जी देते हो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, जो हीट एनर्जी आप देते हो वो कन्वर्ट हो जाती है बेटा काइनेटिक एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है भैया? काइनेटिक एनर्जी में। अन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो इवापोरेशन इंक्रीजेज, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज, क्या बढ़ जाएगा भैया? रेट ऑफ इवापोरेशन, ये बढ़िया बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, रेट ऑफ इवापोरेशन बेटा बढ़ जाता है, इवापोरेशन की जो दर है वो बढ़ जाती है, ठीक है, समझ आया? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आप किसी सब्सटेंस को हीट करोगे, ठीक है, हीट करोगे तो पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ऑन हीटिंग पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड या सब्सटेंस, पार्टिकल्स गेट क्या मिल जाता है भैया? उनको काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब आ जाएगी तो उनका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगी ये तो सरफेस छोड़ के जाने लगते। तो कहने मतलब है, एक यहाँ निष्कर्ष आता है, निष्कर्ष ये आता है कि टेम्परेचर जो है बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवापोरेशन के। यानी कि यहाँ आप ये कह सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा। मेरे ख्याल से बेटा यहाँ तक समझ में आया है, और मैं कहूँगा कि स्क्रीनशॉट लेते चलना बेटे। ठीक, एक तो इसका भी स्क्रीनशॉट था, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना था, तो हम यहाँ पे ऐड करने चलते हैं। हाँ अरे अंजलि, इसका नहीं, स्क्रीनशॉट जो लेना था वो ये है, ये तो इसका लेना था, और एक ये जो अभी पढ़ा रहे थे ये वाला। किसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी चले। हाँ बेटा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भैया, एकदम साफ सुथरा दिख रहा है बेटे, पहले से ज्यादा क्लियर है। और चलते हैं फिर सेकंड पे, ठीक।
दूसरा भी है सरफेस एरिया। दूसरा बेटा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। और किस पर डिपेंड करता है बेटा? सरफेस एरिया पे। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है जब आप सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। जब भी भैया लिक्विड का सरफेस एरिया हम लोग बढ़ाते हैं तो रेट इवेपोरेशन की जो है बेटे ये बढ़ जाती है, ठीक है? क्यों? अगर सरफेस एरिया भैया लिक्विड का ज्यादा एक्सपोज होगा एयर से, जैसे सरफेस एरिया मान लीजिए कोई लिक्विड है, ठीक है, ऐसे कंटेनर में आपने भरा है, एक ये लिक्विड है, एक ये लिक्विड है, तो किसमें ज्यादा इवेपोरेशन होगा? टोटल ओवरऑल देखो भैया, यहां से भी हर जगह से इवेपोरेट हुए मॉलिक्यूल, हर जगह से ज्यादा एरिया है, ज्यादा एरिया है, ठीक, और यहाँ पर सरफेस एरिया कम है एक्सपोजर का, यहाँ कम इवेपोरेशन होगा, तो ये कह सकते हो आप, ठीक है? जब सरफेस एरिया बढ़ा दोगे एयर से तो इवेपोरेशन की रेट जो है बेटा वो बढ़ जाती है, ठीक। इवेपोरेशन की रेट क्या होती भैया? बढ़ जाती है। तो अगर हमें रेट ऑफ इवेपोरेशन, अब देखो किसी ने, जैसे दो लोग हैं, दोनों अपने सिर पे बाल पे सॉरी सिर पे बाम लगाया, ठीक, तो ये ज्यादा दूर तक लगाया, अब किसी भी कंपनी का बाम लगा सकते हैं, और ये है और एक ये है, इसका सिर ही छोटा है, इसने कम दूर लगाया, ज्यादा ठंडा असर कहाँ करेगा यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा दूर तक लगाया है, तो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है बेटा, ठीक है? सरफेस एरिया पे क्या होता है? डिपेंड करता है। इवेपोरेशन जो होती है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। सो इफ द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड एक्सपोज टू एयर इज इंक्रीज, आप कह सकते हो द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल, इफ सम लिक्विड, सेम लिक्विड इज केप्ट इन ए टेस्ट ट्यूब एंड इन चाइना डिश। अगर एक ही लिक्विड को आपने टेस्ट ट्यूब में रखा है, ठीक है, एक ही लिक्विड को आपने किस में रखा भैया? टेस्ट ट्यूब में, और एक उसी लिक्विड को आपने चाइना डिश में रखा है। ये मान लीजिए बेटा टेस्ट ट्यूब है और एक तरफ भी यहाँ पे चाइना डिश ले लेते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब और चाइना डिश, तो आप देखोगे कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है ये इवेपोरेट होगा भैया ज्यादा रैपिडली, ज्यादा रैपिडली, जल्दी इवेपोरेट होगा इसके कंपेयर भैया टेस्ट ट्यूब वाले के कंपेयर में। तो ये आप कह सकते हो, इसको रिलेट कर सकते हो बेटा किससे? सरफेस एरिया से। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पर डिपेंड करता है बेटा? ये डिपेंड करता है भैया सरफेस एरिया पे, ये डिपेंड करता है बेटे सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया आपका लिक्विड पे डिपेंड करता है। तो ये बात भैया, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया बच्चे, एक स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हो आप। चलिए आगे चलते हम लोग, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो बेटा ये सवाल आता है सबसे पहले ह्यूमिडिटी क्या है, ये बेटा वाटर कंटेंट ऑफ एयर है, मतलब एयर में जो हवा है बेटे उसमें कितना नमी है, हिंदी बोले तो, ठीक है, हवा में कितनी नमी है इसको इंडिकेट करता है, ठीक है।
हवा में कितनी नमी है भैया, इसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, दूसरी भाषा में बोलिए तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, ठीक। तो व्हाट इज द ह्यूमिडिटी का क्या असर होता है ये देखते हैं। जब ह्यूमिडिटी एयर की लो होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमेशा ही होता है। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ इज लो, जब बेटा लो होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है भैया, आप देखिए जब बरसात के दिन होते बेटा और गर्मी के दिन होते, कपड़े जब किस समय जल्दी सूखते हैं, किस समय जल्दी सूखते हैं, गर्मी के दिन में बरसात तुलना में। क्यों? क्योंकि बरसात में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है एयर की। जब ह्यूमिडिटी ऑफ एयर लो होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है बेटा उस समय, हाई होता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होता है बेटा, ठीक। वाटर इवेपोरेट होता है ज्यादा तेजी से। जब ह्यूमिडिटी ऑफ एयर हाई होती है तब उल्टा होता है, ठीक। ये आपने जनरल एक्सपीरियंस देखा होगा। When the humidity of air is high, जब humidity of air high होती है rate of evaporation क्या होती बेटा, rate of evaporation बेटा लो होता है, ठीक। rate of evaporation कैसा होता बेटा उसमें, लो होता है। यानी कि अगर इसको समराइज फॉर्म में लिखा जाए एक लाइन में तो कैसे लिख सकते हैं भैया इसको, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और बच्चे हमारे ज्वाइन कर चुके हैं इसमें, वन रिया भी ज्वाइन कर चुकी हैं, वन अपॉन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। एक्चुअली मैं आज कान वाला माइक नहीं लगाऊंगा बेटा, तो आवाज आप लोग को नहीं आ रही है, जस्ट चैट के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं, आवाज आने लगेगी। पहले इसको एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सभी बच्चों रिक्वेस्ट है। ठीक है बेटा, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भैया। विंड स्पीड, नेक्स्ट अभी विंड स्पीड, विंड स्पीड। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, जब देखते हो जब हवा तेज चलती है कपड़े जल्दी सूखते ना, ऐसा निजी अनुभव होगा तुम लोग का। देखो द रेट ऑफ इवापोरेशन, द रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है, द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज। इसका मैं अभी आपको पीडीएफ भी देने वाला हूं, सेम चीज यही, इंक्रीजेज कब बढ़ता भैया, विथ इंक्रीज इन, विथ इंक्रीज इन विंड स्पीड, इसके साथ भैया विंड स्पीड बढ़ने के साथ बेटे, ठीक, विंड स्पीड बढ़ने के साथ। जब स्पीड विंड की बढ़ जाती है, व्हेन द विंड स्पीड इंक्रीजेज, जब भी बेटा विंड स्पीड बढ़ती है, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे द विंड, द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, ठीक, विंड के साथ भैया ये सब बढ़ते जाते हैं। तो जल्दी जल्दी इवापोरेशन की रेट बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है।
देखो जब हवा तेज चलेगी तो तेज हवा के साथ जो वाटर वेपर होगा ना बेटे, वो भी जल्दी जल्दी चला जाएगा, तो क्या होगा स्पीड इवेपोरेशन की बढ़ जाती है इससे। फरमाया भैया ठीक। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, कूलिंग कास्ट बाय इवेपोरेशन। कूलिंग कास्ट बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन भैया कूलिंग कैसे आती है, चलो देखते हो समझते हैं। मान लो भैया ये वाटर है, ऐसे रखा है। अब इसमें कई तरह के मॉलिक्यूल भैया, कुछ ज्यादा एनर्जी वाले हैं, कुछ कम एनर्जी वाले हैं। पहले इसको तुम लोग समझोगे कूलिंग कैसे आती है। ठीक, ये पीछे का स्क्रीनशॉट लिया, खींचो जल्दी लिया। गीतांजलि, सभी लोग, बच्चे लोग और बाकी सब जो भी है। ठीक, कूलिंग कार्ट बाई इवेपोरेशन बेटे, ये कैसे होता है इस पे बात कर रहे थे हम लोग। ठीक, सभी पुराना क्लियर। ठीक देखो होता क्या है कि सरफेस पे ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल होते हैं, सरफेस बेटा ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल होते हैं। तो जो ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो अपना सरफेस छोड़ के जाते रहते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर भी, किसी भी टेम्परेचर पर जाते रहते हैं। जब ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ के गए तो क्या हुआ, अब ये यहाँ पे जो बचा कैसे मॉलिक्यूल बचे, कम एनर्जी वाले बचे, कम एनर्जी वाले बचे। तो इनको अपना भैया एनर्जी का लेवल जो है वो मेंटेन रखना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे, सराउंडिंग से एनर्जी ये ले लेते हैं। जब ये सराउंडिंग से एनर्जी ले लेंगे तो सराउंडिंग में कैसा फीलिंग होगा, सराउंडिंग का हीट कम होगा, जो सराउंडिंग है सराउंडिंग का हीट कम होगा, तो यहाँ पे कैसा इफेक्ट आएगा, कूलिंग आएगा, यहाँ पे कूलिंग आएगा एकदम शॉर्ट में। ठीक है, तो एकदम शॉर्ट में बताया, तो इसको मैं और बढ़िया से क्लियर करता हूँ आपको। कूलिंग कार्ट बाय ऑपरेशन बेस्ड ऑन फैक्ट डेट, मैं लिखता चलता हूँ द कूलिंग कार्ड बाई इवापोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, ठीक है, इस फैक्ट पे बेस है दैट व्हेन लिक्विड इवापोरेट्स, दैट व्हेन ए लिक्विड इवापोरेट्स, मतलब बेटा जब एक लिक्विड इवेपोरेट होता है, इट ड्रा आर्टिक द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कल के लेक्चर में था, आपने बहुत अच्छे से हीट ऑफ वेपराइजेशन देखा था। कल जो रिवीजन लेक्चर डाले थे वहां पे हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये बहुत अच्छे से देखा है। देखो जब भी कोई लिक्विड वेपर के रूप में जाता है तो स्टेट चेंज होने के लिए लेटेंट हीट एनर्जी लेता है, कहां से लेता है, उससे लेता है, उस सब्सटेंस लेता है जिसके टच में रहता है। तो जब ये लिक्विड भैया, जब ये लिक्विड क्या हो रहा है, ये लिक्विड जब ये लिक्विड इवापोरेट हो रहा है, वेपर के फॉर्म में जा रहा है, तो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कब चेंज होगा, जब उसको कौन सी एनर्जी लेगा, वो जब वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेगा। तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो लेगा तो सराउंडिंग से उसने हीट तो ले लिया ना,
जब हीट ले लिया तो सराउंडिंग में हीट उतनी कम हो गई तो सराउंडिंग उतना कूल हो गया, समझ रहे हो ना आप कैसे कूलिंग प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बाय लूजिंग हीट एनीथिंग गेट कूल्ड। By losing heat, the anything get cooled. ये क्या होता भैया, इसके बाद कूल हो जाता है। ठीक है, तुमने देखा होगा तुम छोटा सा जो है अगर बच्चे लोग तुम लोग अगर थोड़ा सा स्प्रिट कभी हाथ में लिए होगे, आजकल तो वो लगाते हो ना बहुत सैनिटाइजर, तो प्यारे बच्चों में बताओ सैनिटाइजर वायरस को मारता नहीं है, हाँ बैक्टीरिया फंजाई के लिए बेहतर है, वायरस के लिए साबुन से धुला हाथ सबसे बढ़िया है। ठीक, तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कूलिंग के पीछे। जब थोड़ा सा स्प्रिट हाथ पे हथेली पर रखते हो स्प्रिट इस पर तो देखते हो बहुत तेज कूल करता है, सैनिटाइजर आजकल लगाते हो बहुत तेज कूल करता है, सबके पीछे वेपोरेशन कॉन्सेप्ट है। हार्ड समर डेज पे तुम वाटर को रखते हो अर्थन पार्ट में मटका में जो कि इसको कूल लगता है, कैसे कूल करता है इवापोरेशन से। गांव में तुम देखो ज्यादातर लोग अपने घर के सामने, गांव में क्या शहरों में हम ही लोग करते हैं, अपने घर के सामने वाटर स्प्रिंकल करते हैं, वाटर स्प्रिंकल करते हैं ना, जब वाटर फेंकते हैं घर के सामने तो एकदम धरती गर्म होती है, उस पर जैसे पानी पड़ा तो वेपर बन के निकलेगा, जब वेपर बन के निकलेगा तो अपने साथ वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ले जाएगा, तो क्या होगा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। आप समझ में आया बेटे, धीरे धीरे समझ में आएगी कई बार बातें। तो करना क्या है, बार बार लेक्चर देखना है, बार बार सुनना है, बार बार समझना है, नहीं कि एक बार पढ़ ली बस काम खत्म, वही चीज को बार बार पढ़ना है एकदम मस्त कई बार पढ़। ठीक, मैंने क्लास 10 का क्लास कब अनाउंस किया, 9:15 पे, अब टाइम ओवर हो रहा है और मुझे चलना पड़ेगा, तो अभी का मैं ये देखो तुरंत का तुरंत तुम्हें पीडीएफ दे दे रहा हूँ, और ये पीडीएफ जो है रखोगे तुम लोग, अभी लिखोगे इसको नोट्स बनाओगे, ये जो 6-7 पेज हुए हैं अभी सबका क्या करना है, नोट्स बनाना है, नोट्स बना के क्या करना है बार बार पढ़ना है। ठीक, नोट बना के भूल नहीं जाना है। सभी प्यारे बच्चों से मेरा अनुरोध है जो जो लोग जुड़े हो ये लो, अब बहुत लोग नहीं आ रहे हैं अभी, बहुत लोग सोच रहे हैं कि बिना पढ़े उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा, तो बेटा मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी आगे जाने के लिए लाइफ में, और आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो। देखो ये तुरंत मैंने भेज दिया, अब तुरंत ही पीडीएफ ओपन करो, जो पढ़ा है तुरंत रिवाइज करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।